उत्तराखंड का प्राचीन शहर जोशीमठ जमीन धंसने की खबरों को लेकर पिछले कई दिनों से सुर्खियों में है। जोशीमठ भू धसाव के मामले में केंद्र सरकार के साथ राज्य सरकार भी पूरी तरह अलर्ट हो गई है। सीएम पुष्कर सिंह धामी लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। जमीन के धंसने और कई घरों में दरारें पड़ने की घटना के बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी ने प्रभावित क्षेत्रों का सर्वेक्षण किया। इसके साथ ही केंद्र सरकार ने जोशीमठ में जमीन धंसने की घटना को लेकर कमेटी गठित की है। यह समिति घटना और इसके प्रभाव की तेजी से कस्टडी करेगी। जल शक्ति मंत्रालय की ओर से जारी एक कार्यालय ज्ञापन में कहा गया कि कमेटी में पर्यावरण और वन मंत्रालय, केंद्रीय जल आयोग, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण और स्वच्छ गंगा मिशन के प्रतिनिधि शामिल रहेंगे। बता दें, इससे पहले शुक्रवार 6 जनवरी को सीएम धामी की अध्यक्षता में इस मसले को लेकर बैठक हुई। इस बैठक में राज्य के डीजीपी, अपर मुख्य सचिव, अपर सचिव और आपदा अधिकारी भी शामिल हुए। सीएम ने मीडिया से बात करते हुए कहा था कि जान बचाना पहली प्राथमिकता है। उत्तराखंड के जोशीमठ शहर में कई मकानों में दरार आने के बाद कई परिवारों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। अब तक जोशीमठ शहर के अलग अलग क्षेत्रों में 561 घरों में दरारें आई है। एमकेएन न्यूज की डेस्क रिपोर्ट।